दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पर्सनालिटी की बात करेंगे जो एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन निर्देशक भी हैं, और इन्होंने अमिताभ बच्चन की कालिया और शहंशाह जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन भी किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीनू आनंद की। टीनू आनंद ने अपने करियर में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और एक मूक फिल्म में भी काम किया, और इस तरह बहुमुखी प्रतिभा के धनी टीनू आनंद ने एक्टिंग की दुनिया में बहुत नाम कमाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि टीनू आनंद एक सफल अभिनेता और निर्देशक होने के साथ साथ एक सफल निर्माता और एक लेखक भी हैं। 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में धूम मचाने वाले टीनू आनंद आज तक सक्रिय हैं, और आज भी उसी जज्बे और हिम्मत के साथ फिल्म जगत में नाम कमा रहे हैं। यूं तो टीनू आनंद जी के अभिनय से आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी निजी जिंदगी कैसी है, कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और अपनी जिंदगी में उन्होंने कौन कौन सी मुसीबतें झेली? अगर नहीं तो आप हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टीनू आनंद जी की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। शुरुआत करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन से। टीनू आनंद जी का जन्म 12 अक्टूबर 1945 को मुंबई में ही हुआ। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था वीरेंद्र राज आनंद, जो बाद में बदलकर टीनू आनंद हो गया। इन्होंने अपनी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर राजस्थान से पूरी की। टीनू आनंद शुरू से ही फिल्म मेकर बनना चाहते थे, लेकिन ये बात जब उनके पिता को पता चली तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि उनके पिता फिल्म जगत के एक मशहूर लेखक थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे भी इसी फील्ड में काम करें। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे फिल्म मेकिंग के अलावा और कुछ नहीं करना चाहते, तो उन्होंने बेटे की जिद के आगे अपना सर झुका लिया और टीनू आनंद का एडमिशन सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में करवा दिया। टीनू आनंद को अपने शुरुआती दिनों में अब्बास मस्तान की फिल्म सात हिंदुस्तानी में एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ, लेकिन उस दौरान टीनू आनंद को सत्यजीत रे के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, और ये देखते हुए उन्होंने अब्बास मस्तान की इस फिल्म को मना कर दिया। इसके बाद ही टीनू आनंद की जगह अमिताभ बच्चन को लिया गया था। दरअसल हुआ ये था कि अब्बास मस्तान को इस फिल्म के लिए मुख्य अभिनेत्री की तलाश थी। ऐसे में अब्बास टीनू आनंद के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि क्या वो अपनी दोस्त नीना सिंह को इस फिल्म में अभिनय करने के लिए कह सकते हैं। तब टीनू ने नीना से बात की और नीना मान भी गईं, लेकिन नीना ने कहा कि क्या वो अब्बास को कलकत्ता में रहने वाले और बर्ड एंड कंपनी में काम करने वाले मेरे एक दोस्त की तस्वीरें दिखा सकते हैं। दरअसल ये तस्वीरें किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की थी। जब अब्बास ने ये तस्वीरें देखी तो कहा कि इसे ऑडिशंस के लिए मुंबई बुलाओ, जिसके बाद अमिताभ बच्चन मुंबई आए और टीनू आनंद ही अमिताभ बच्चन को के अब्बास के ऑफिस उनसे मिलवाने ले गए थे, और उसके बाद के अब्बास ने टीनू आनंद से कहा था कि मैं इस अभिनेता को 5,000 रुपए दूंगा, क्या इस पूरी फिल्म के लिए इसे ये पैसे मंजूर हैं? तब अमिताभ बच्चन ने खुशी खुशी वो 5,000 रुपए मंजूर कर लिए थे, क्योंकि अमिताभ को उस दौरान फिल्मों में रोल पाने की सख्त जरूरत थी। बता दें कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को शायर के दोस्त का किरदार मिला था, जो कि पहले टीनू आनंद को ऑफर किया गया था, और इसके बाद टीनू आनंद सत्यजीत रे के साथ काम करने चले गए। वास्तव में टीनू आनंद के पास तीन विकल्प थे, पहला राज कपूर जी के साथ काम करना, दूसरा प्रतिष्ठित इतालवी निर्देशक फ्रेडरिको फेलिनी के साथ काम करना, और तीसरा सत्यजीत रे जी के साथ काम करना। इनमें से टीनू आनंद ने फेलिनी को चुना, क्योंकि इसमें उन्हें इटली जाने का मौका मिल रहा था। लेकिन फेलिनी ने एक शर्त रख दी, उन्होंने कहा कि आपको इतालवी भाषा सीखनी होगी, और टीनू आनंद किसी नई भाषा को सीखने के लिए समय नहीं देना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने सत्यजीत रे का ऑफर स्वीकार कर लिया। अगर बात करें टीनू आनंद के शुरुआती करियर की, तो इनकी शुरुआत एक सहायक निर्देशक के तौर पर हुई, जिसमें उन्होंने सत्यजीत रे जी के साथ एक बंगाली फिल्म गोपी गायन बाघा बायन में एक सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया। टीनू आनंद जी ने 5 सालों तक सत्यजीत रे जी के साथ काम किया, और इसके बाद वो अपनी फिल्में बनाने के लिए मुंबई लौट आए। सन 1979 में उन्होंने एक टीवी सीरियल कहीं तो होगा में अभिनय किया, साथ ही इसी साल इन्होंने दुनिया मेरी जेब में नाम की एक फिल्म का निर्देशन भी किया। इस फिल्म में उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों ऋषि कपूर और शशि कपूर के साथ काम किया था। इस फिल्म को पूरा करने में इन्हें 5 साल लग गए थे। इसके अलावा इन्होंने एक अभिनेता के तौर पर सन 1987 में संगीतम श्रीनिवास राव की फिल्म पुष्पक में काम किया। इस फिल्म में उन्हें अभिनेता कमल हसन और अमाला के साथ काम करने का मौका मिला।
ये एक मूक फिल्म थी और इसके बाद टीनू आनंद ने कई सारी फिल्मों में एक अभिनेता के तौर पर काम किया, जिनमें अग्निपथ, खिलाड़ी, चमत्कार, दिल जले, कभी ना कभी, चंद्रमुखी, अंजी, सात रंग के सपने, अगली और पगली, दे तनादन, मासूम, दामिनी, अंजाम, तेरे नाल लव हो गया जैसी मशहूर फिल्में शामिल हैं। 2022 में इनकी दो फिल्में रिलीज हुई, जनहित में जारी और सीताराम। दोनों ही फिल्मों में आनंद जी के अभिनय को खूब सराहा गया। इसके अलावा टीनू आनंद जी ने हिंदी सिनेमा को एक हिंदुस्तानी, मेजर साहब, जीना तेरी गली में, मैं आजाद हूँ, शहनशाह, ये इश्क नहीं आसान, कालिया और दुनिया मेरी जेब में जैसी सफल फिल्में दी। फिल्म शहनशाह का मशहूर संवाद, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, किसी और ने नहीं बल्कि टीनू आनंद के पिता इंदर राज आनंद ने लिखा था। टीनू आनंद ने अपने फिल्मी करियर में कई सारी फिल्मों में काम किया और एक कॉमेडियन के रोल से लेकर एक विलन के रोल में भी खुद को एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर साबित किया है। फिल्म संगम की रिलीज की रात को राज कपूर और टीनू आनंद के पिता इंदर राज आनंद के बीच झगड़ा हो गया और टीनू आनंद के पिता ने गुस्से में उस रात राज कपूर को थप्पड़ तक मार दिया। इसके बाद संगम फिल्म से जुड़े सभी लोगों ने टीनू आनंद के पिता का बहिष्कार शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप टीनू आनंद के पिता ने अपनी 18 फिल्में खो दी और इसके बाद उन्हें सदमे से दिल का दौरा पड़ गया। अगर बात करें टीनू आनंद के पारिवारिक जीवन की तो इनके पिता का नाम इंदर राज आनंद था, जो कि हिंदी सिनेमा में संवाद और पटकथा लेखक थे, जिन्होंने आग, आह, अनाड़ी और संगम जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन वास्तव में वो एक उर्दू लेखक थे और उर्दू में अपने संवाद और स्क्रिप्ट लिखा करते थे। तीनों के भाई बिट्टू आनंद एक फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें दुनिया मेरी जेब में, ये इश्क नहीं आसान और शहनशाह जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा टीनू आनंद का भतीजा सिद्धार्थ आनंद भी एक बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर है, जिन्होंने हम तुम, सलाम नमस्ते, वॉर और पठान जैसी फिल्मों का सफल निर्देशन किया है। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम ममता भाटिया है और सिद्धार्थ के एक बेटे हैं जिनका नाम रणवीर आनंद है। अब चलते हैं टीनू आनंद की निजी जिंदगी की ओर। टीनू आनंद ने अनुभवी अभिनेता आगा की बेटी शहनाज वाहनवती से शादी की, जो कि एक भारतीय अभिनेत्री और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। इनसे इन्हें एक बेटा और दो बेटियां हैं। इनके बेटे का नाम लक्ष्य राज आनंद है और इनका जन्म 26 जनवरी 1988 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था, जो एक निर्माता और निर्देशक हैं, जिन्हें वंस, देयर वॉज अ टाइगर, अटैक और बैंग बैंग जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा टीनू की बेटियों के नाम ईशा आनंद और दीक्षा आनंद हैं। दीक्षा भी अपनी माँ की तरह एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। इन दिनों टीनू आनंद मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और आज भी हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। दोस्तों, आपको टीनू आनंद कैसे लगते थे? इनकी कोई फिल्म या कोई किरदार अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।